दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि आपके किसी दोस्त को पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और वह हॉस्पिटल पहुंचा और ये दर्द अपेंडिक्स का दर्द निकला और जिसके इलाज के लिए डॉक्टर ने उन्हें कहा कि उन्हें अर्जेंट इसका ऑपरेशन कराना होगा। हो सकता है कि आप उनसे अस्पताल मिलने भी गए हों तो वहां पेशेंट बहुत कंफ्यूज हो गया होगा कि पेट का दर्द भी क्या ऑपरेशन का कारण बन सकता है। दोस्तों शायद ही अपने में से कोई ऐसा हो जिससे अपेंडिक्स के दर्द या अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बारे में ना सुना हो, पर क्या आपने सोचा है कि अपेंडिक्स आखिर है क्या और अपेंडिक्स का ये दर्द क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों ये दर्द किसी को भी कभी भी हो जाता है और आपको पता कैसे चलेगा कि आपको जो पेट में दर्द हो रहा है वह अपेंडिक्स का दर्द है या किसी और वजह से हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपेंडिक्स का ये दर्द क्यों होता है और इसके क्या क्या कारण है, इसके टिपिकल लक्षण क्या है और इसका समाधान कैसे होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता डायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत करता हूं। डायडॉक हेल्थ आपको साइंटिफिकली बैक सही और जरूरी मेडिकल एजुकेशन देने के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी जरूरी मेडिकल जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवार में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों सन 1500 में अपेंडिक्स का पहली बार साइंटिस्ट को पता चला था और तब से ही अपेंडिक्स और इसके फंक्शन पे तरह तरह की रिसर्च चल रही है कि आखिरकार अपेंडिक्स का हमारे शरीर में काम क्या है और इस अपेंडिक्स में सूजन क्यों आ जाती है। जहां कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम मतलब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन करने में इसका खास रोल है, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इसका कोई खास काम नहीं है। अपेंडिक्स में जब सूजन आ जाती है तो उसमें दर्द होने लगता है और अपेंडिक्स की इसी सूजन को मेडिकल भाषा में अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अपेंडिक्स हमारे पाचन तंत्र का एक वेस्टिजियल ऑर्गन माना गया है, यानी एक ऐसा अंग है जिसका हमारे शरीर में कोई खास रोल नहीं है, यानी इस अंग के बिना हमारा पाचन तंत्र सुचारू रूप से काम कर सकता है। लोगों ने अपेंडिक्स को लेकर बहुत सी थ्योरी बनाई है, उनमें से एक थ्योरी डार्विन की भी है जो ये कहती है कि इवोल्यूशन के दौरान जब हमारी डाइट में हरे पत्ते घास आदि मुख्य रूप से थे तब हमारी आंतों में सीकम जो कि हमारी बड़ी आंत का एक भाग होता है वह काफी बड़ा था और अपेंडिक्स का रोल मुख्य था क्योंकि अपेंडिक्स इन घास और पत्तों जैसी कच्ची चीजों को पचाने में मदद करती थी। पर जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ और हम फल खाने लगे और फिर खाना पका कर खाने लगे वैसे वैसे सीकम छोटी होती गई और अपेंडिक्स का काम कम होता गया और ये अंग छोटे होते होते अब छोटी सी नली के आकार का रह गया है। पर ये थ्योरी भी अब पुरानी हो गई और अपेंडिक्स के रोल पर रिसर्च अभी भी चल रही है। दोस्तों अपेंडिक्स हमारी आंत का एक ऐसा भाग है जो एक ब्लाइंड ट्यूब की तरह होता है, यानी एक भाग आंत में खुलता है और दूसरे तरफ एंड होता है। जब भी इस ट्यूब की लाइनिंग में किसी वजह से रुकावट आ जाती है तो अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है, यानी अपेंडिसाइटिस हो जाता है और ये रुकावट किसी भी वजह से हो सकती है, या तो किसी फीकोलिथ की वजह से, यानी जब कोई फीकल मैटर यानी हमारे मल या स्टूल का अंश आंतों से जाते समय इसमें चला जाता है और वहां पड़ा पड़ा और सख्त हो जाता है और इसे फीकोलिथ कहा जाता है। ये रुकावट और कारणों से भी हो सकती है, जैसे कि अपेंडिक्स के ट्यूमर, आंतों का कोई पैरासाइट या आंतों का कोई और इंफेक्शन। अब ये रुकावट अपेंडिक्स में हो जाती है तो इसमें बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने लगते हैं जिससे अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है, अपेंडिक्स फूल जाती है और अपेंडिक्स में मवाद या पस भर जाती है। दोस्तों अपेंडिक्स की सूजन का ये दर्द या अपेंडिसाइटिस 10 साल से 30 साल की उम्र तक किसी को भी हो सकता है, पर अपेंडिसाइटिस की बीमारी महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज्यादा देखी जाती है। दोस्तों अपेंडिक्स की सूजन में सबसे कॉमन लक्षण है पेट का दर्द जो शुरू में नाभि के चारों तरफ यानी पेट के बीच में शुरू होता है और कुछ घंटों बाद पेट में नीचे की तरफ दाईं साइड में दर्द होने लगता है। कई बार ये पेट दर्द दाईं तरफ पेट के निचले हिस्से में भी शुरू हो सकता है। ये दर्द अचानक होने लगता है और ये दर्द बहुत तेज होता है। ये दर्द खांसी से, चलने से और दूसरी गतिविधियों से बढ़ता है। आपका जी घबरा सकता है और उल्टी भी आ सकती है।
आपकी भूख मर जाती है, आपको हल्का बुखार आ सकता है जो धीरे धीरे बीमारी के साथ तेज होता जाता है, आपको कब्ज हो सकती है या आपको दस्त या डायरिया भी हो सकता है, आपको ब्लॉटिंग हो सकती है यानी पेट फूल सकता है, आपको गैस हो सकती है, शरीर में कमजोरी भी आ सकती है, कई बार मरीज को बार बार पेशाब आना जैसे लक्षण भी हो सकते हैं, मरीज इस दर्द की वजह से अचानक नींद से जाग सकता है, कई बार मरीज का ये दर्द दाएं पैर को सीधा करने पर भी बढ़ जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन है अपेंडिसाइटिस का। दोस्तों अपेंडिसाइटिस का दर्द पेट में किस जगह होगा और कैसे लक्षण होंगे ये आपकी उम्र पर निर्भर करता है और साथ ही इस बात पर निर्भर करता है कि अपेंडिक्स आंत में किस तरफ स्थित है। जैसे कि प्रेगनेंसी में अपेंडिसाइटिस का दर्द पेट के ऊपरी हिस्से में शुरू होता है क्योंकि प्रेगनेंसी में बढ़ते हुए यूट्रस की वजह से अपेंडिक्स पेट में ऊपर की तरफ चली जाती है। दोस्तों अपेंडिसाइटिस का इलाज एंटीबायोटिक्स और ऑपरेशन से होता है जिसके बारे में विस्तार से हम अगले वीडियो में बात करेंगे, पर अगर अपेंडिसाइटिस का इलाज समय पर ना हो तो कुछ कॉम्प्लिकेशन या जटिलताएं भी हो सकती है। इनमें सबसे पहला है बर्स्ट अपेंडिक्स या रप्चर्ड अपेंडिक्स यानी अपेंडिक्स फट सकती है और अपेंडिक्स फटने से इन्फेक्शन पूरे पेट में फैल जाता है और इसे पेरिटोनाइटिस कहते हैं जो कि जानलेवा भी हो सकता है। इसके अलावा अपेंडिसाइटिस की वजह से पेट में पस की एक पॉकेट भी बन सकती है जिसे एब्सेस भी कहते हैं। तो देखा दोस्तों अपेंडिसाइटिस क्यों होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका इलाज क्यों जरूरी होता है। दोस्तों उम्मीद है अपेंडिक्स पर मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। इसके अलावा अगर आप इस परेशानी से ग्रसित हैं तो आप ऊपर दिए गए फोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अगर अन्य बीमारियों से भी अगर आप परेशान हैं तो उनके सटीक इलाज के लिए भी आप इन नंबरों पर बात कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि पेशाब में जलन के क्या कारण होते हैं और उससे आसानी से कैसे निपटा जा सकता है, कैसे उसका आसानी से समाधान किया जा सकता है, तो आप राइट में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल ऑथेंटिक रिलायबल इंफॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा यूट्यूब चैनल डायडोकल सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।